मेरा एक सपना है, मैं चाहता हूं कि गांव में रहने वाले गरीब के बच्चे अंग्रेजी बोले। सरकार देखती है ना सब, ये देखना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। हम सबको अच्छा लग रहा है, बिहार के सब व्यक्ति को अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ फैसले आते हैं, इंसान ही है ना कोई। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की साथ साथ देश की सियासत गर्म है। 2024 लोकसभा चुनाव का रन भी नज़दीक है, बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, मगर जो खबरें निकल कर आ रही है कि विपक्ष के लगभग 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता, बिहार सरकार में मंत्री कुमार सर्वजीत जी हैं। 142 सांसदों को लगभग निलंबित किया गया, इसे कैसे देख रहे हैं आप? लोकतंत्र पे प्रहार करना उनकी पुरानी आदत है। अच्छा, आपको याद होगा ना, यहाँ भाजपा की सरकार थी और विपक्ष के न जाने कितने MLA को घसीट के जूता से मार के सदन से बाहर किया गया था। इन लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा कहाँ है? लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के अगर हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं तो कुचलने का प्रयास कर चलता। तो तानाशाही राजा की सत्ता बहुत दिन चली है क्या? तानाशाही राजाओं की सत्ता बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है, ये क्षणिक सुख है, कुछ उछल लें। 53 साल 57 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, देखे उछलते उसके नेता को। क्षणिक सुख बता रहे हैं आप, 5 राज्यों के चुनावी परिणाम तो आपने देखे हैं ना मंत्री जी, क्षणिक सुख है ना वो। 5 राज्यों में अगर आपने झूठ मूठ का बतौला करके सरकार बना लिया तो देश आपका थोड़ी हो गया। जनता तो उनके साथ दिख रही है, आने वाला समय में पता चलेगा कि जनता किसके साथ है। समय बलवान होता है ना, समय बलवान होता है। अभी लग रहा है समय बीजेपी के साथ चल रहा है, ये वक्त बताएगा, 2024 आने दीजिए। अभी वर्तमान में जो वक्त चल रहा है उसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अच्छा सब कुछ अच्छा दिख रहा है बीजेपी। अच्छा ही देख रहा हूँ मैं, यह देश सबका है ना। एक समय आएगा कि देश की सारी जनता जो है जागरूक होगी और देश में कहीं पनाह नहीं मिलेगा। आखिर वो समय कब आएगा? आप लोग बैठक पे बैठक कर रहे हैं, मैराथन बैठक हो रही है, डिसीजन मेकिंग होनी है। आने दीजिए ना 2024 आएगा तो फिर हम लोग मिलेंगे दोनों भाई, फिर इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। नहीं, आप लोगों की मैराथन बैठक तो चल रही है इंडिया गठबंधन की, डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं? 2024 आने दीजिए, फिर आपसे चर्चा करेंगे हम। आज भी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं आप लोग इंडिया गठबंधन के दिल्ली में, फैसले लिए। इंडिया गठबंधन के कहां बैठक है, देश की एकता को बचाने की बैठक है ना ये। मैं लगातार ये कहा हूं कि इंडिया की बैठक मत कहिए, देश किस ओर जा रहा है, देश में धर्म की बात हो रही है कि रोजगार की बात हो रही है। तो आपको इतिहास तो पता है ना कि जब जब इस देश पे कोई खतरा मंडराया है तो बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं जन्म लिए हैं जो देश को बचाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करते हैं। आएगा समय, नहीं फैसले लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे क्या बता तो दिया, किस बात का फैसला? अगर देश करेगा गठबंधन को, अगर देश जाति धर्मों के नाम पे बांटी जा रही है और हम बैठक कर रहे हैं कि देश को एकता को कैसे बचाया जाए तो कौन सा निर्णय लेने का निष्कर्ष नहीं निकल रहा इस बैठक? निकलेगा ना, देश की आजादी की लड़ाई एक ही दिन में खत्म हो गई थी क्या? देश की आजादी की लड़ाई एक दिन में खत्म हुई थी, कितने लोगों ने कुर्बानियां दिया था ना। इंतजार करिए, ये माहौल बन रहा है कि देश को बचाने के लिए कई लोग जो हैं जन्म लेंगे, लड़ाई होगी, देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, सब कुछ बचेगा। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार बयान दिया है, आपने भी सुना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो चिंतित नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई फैसले तो लेने होंगे, बहुत विलंब हो रहा है, बैठक कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल। चीज समझ में नहीं आता है कि पूरे देश के ये पत्रकार लोग खाली मुख्यमंत्री के बारे में क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो बहुत चिंतित दिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो कोई व्यक्ति है जो देश के लिए चिंतित है और बाकी जितने इंडिया गठबंधन में वो चिंतित, एक तो है कि देश के लिए कोई तो व्यक्ति चिंतित है। तेजस्वी यादव ने पहल किया, गठबंधन की बैठक की शुरुआत हुआ, कई राज्य में वो गए, तो कोई तो व्यक्ति चिंतित है देश के लिए। जब देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी तो किसी एक ही व्यक्ति ने ना शुरू किया होगा, उसके बाद आंदोलन खड़ा हुआ,
तो आंदोलन की शुरुआत हो रही है। उस वक्त की परिस्थिति कुछ और थी, इस वक्त की परिस्थिति कुछ और है, तो आप लोगों ने कई दलों को तो मिलाया है। विडंबना है कि उस वक्त देश के सारे प्रिंट के मीडिया और प्रिंट ही था, सब देश के साथ खड़े थे, आज भाजपा के साथ खड़े हैं, अंतर है कि नहीं? नहीं, वो आप, आप, मैं आपको, आपके मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ कि उस समय देश की प्रिंट की मीडिया, देश के जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे उसके साथ खड़ी थी, आज भाजपा के साथ खड़ी है। अगर नहीं खड़ी है तो जरा एक डिबेट बता दो कि 10 लाख नौकरियां पे डिबेट हुआ क्या किसी चैनल में? हुआ तो बताओ। नहीं, हमने दिखाया, शायद आपने नहीं देखा होगा, हम आपको भेजेंगे। दिखा दो, आप हमको भेज दीजिए। हम आपको पूरा वो तस्वीर भेजेंगे कि हमने दिखाया है। आप लाइक सिटी पे मत लेना है ना, मेरा क्या सवाल है आप नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर बिहार में सरकार ने अगर 10 लाख नौकरी की घोषणा की और लोग बहाली हुए तो इसका डिबेट क्यों नहीं हुआ? और कोविड का डिबेट देखे थे कि नहीं आप? एक मुसलमान ने थूक फेंका, दिखा तहलका मच गया, बोला देखो मुसलमान ने थूक फेंक दिया, कोविड हो गया, देखे थे ना? तो जब आप कहते हैं कि आपकी मन की बात नहीं दिखाते तो आप ऐसा कहते हैं, हम तो सारा आप ही का मनवा का बतवा बोल रहे हैं। नहीं, जो हमने फैसले लिए जाएंगे या नहीं, सीधा बात कीजिए। जनता भी बहुत उत्साहित है कि भाई आखिर फैसले क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। कांग्रेस कंप्रोमाइज इंतजार करिए, कांग्रेस कंप्रोमाइज करिए, इंतजार करिए, फैसला आएगा। बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस हम कह तो रहे हैं कि इंतजार करिए, फैसला आएगा। कांग्रेस पे क्यों नहीं बोल रहे, कंप्रोमाइज बोल तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि जिस प्रकार स्थिति से देश गुजर रही है, ये सबको एहसास हो गया है कि सब मिल करके अब देश को बचाना पड़ेगा। कुमार सरवीर जी, एक आखिरी सवाल, के पाठक को लेकर के नाराजगी अब तमाम एमएलसी में भी है, जिस तरीके से संजय सिंह जी के पेंशन रोकी गई, आज राजभवन मार्च करेंगे, आप के पाठक के काम को कैसे देख रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? है, मेरा एक सपना है, मैं चाहता हूं कि गांव में रहने वाले गरीब के बच्चे अंग्रेजी बोले, गांव के रहने वाले बच्चे देश पे राज करें। अगर उसमें थोड़ी बहुत सुधार की ज़रूरत है तो की जा रही है, तो परेशान नहीं होना चाहिए, और अच्छे काम में कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन जो शिक्षक हैं वो हमारे सब परिवार के सदस्य हैं, और शिक्षक वही होते हैं ना जिसके जीप पे सरस्वती का सवार होता है ना, सवारी होती है उनकी, तो अच्छी बात है, सब लोग मेहनत करके पढ़ाएंगे। और बिहार के सभी शिक्षकों का एक ही सपना है कि गरीब के लोग कैसे शिक्षित हों। अगर हमसे पूछिएगा तो मैं तो कहूँगा कि सरकारी स्कूल के साथ साथ हर प्रखंड में, क्या हर पंचायत में प्राइवेट स्कूल भी खोल दीजिए, जिसको जहाँ मन है पढ़ाओ, और प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए सब्सिडी भी दे दीजिए। बिहार तभी तरक्की करेगा जब गांव के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। और आपके सहयोगी बहुत भाईचारा बन जाएंगे। देखिए, सबका अपना अपना विचार है ना, हमारा कुछ विचार अलग है, उनका कोई विचार अलग होगा। अगर भिन्न भिन्न विचार नहीं होते देश में तो देश चलेगा? विचार सबके अपने अपने होते हैं, सोच अपनी अपनी होती है। हमारा सोच है कि बिहार के बच्चे पढ़ कर के जो है देश का तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें। कुछ लोगों का सोच है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़े, तो सबकी अलग अलग सोच होती है। यानी मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि के पाठक ने अब तक जो काम किया बेहतरी के लिए किया, अच्छे के लिए किया, और अच्छा काम कर रहे हैं। करें, सरकार देखती है ना सब, ये देखना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि अच्छा है, अगर लगेगा कि अच्छा नहीं है तो मुख्यमंत्री तो कार्रवाई करते हैं। मंत्री जी को अच्छा लग रहा है, हम सबको अच्छा लग रहा है, बिहार के सब व्यक्ति को अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ कुछ फैसले आते हैं, इंसान ही है ना कोई, हम भी कृषि मंत्री हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमसे फैसला सब सही लिया जाए, कुछ भूल भी होती है, तो उसकी सरकार समीक्षा करती है, उसका डिस्पोजल करती है, निष्पादन करती है, कहाँ कोई इसमें दिक्कत है। चलिए, बैठक तो दिल्ली में हो रही है, अब इस बैठक में फैसले क्या लिए जाएंगे ये हम होगा। तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।